दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। साथियों, मैंने सोचा आज मैं कहीं जा रहा हूं काम से, तो चलते चलते इस रास्ते में मैं आपसे कुछ बातें भी करता चलूं, और इस कैमरे से जो आप देख रहे हैं इससे मैं रास्ते के जो वीडियोस हैं डे टू डे के, वो भी निकालता चलूं, शायद कभी काम आएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी पिछले कुछ दिनों में चल रहा है वो ये चल रहा है कि मैं बेलारूस में शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं बेलारूस में सेटल होने के बारे में तो बातें कर ही रहा था, लेकिन जो युवा वर्ग है और कई सारे ऐसे जो लोग हैं उनके थोड़े भिन्न सवाल थे। उनका सवाल था कि मैं बेलारूस में विवाह करना चाहता हूँ, मैं बेलारूस में डेटिंग करना चाहता हूँ, या बेलारूस में मैं अपनी कोई गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, या किसी की है भी कोई ऑनलाइन गर्लफ्रेंड। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे, और ऐसे सवाल जो होते हैं जिनके बारे में बात करने में लोग झिझकते हैं, सकुचाते हैं और बताना नहीं चाहते, और इवन अगर कोई यूट्यूबर होगा तो उस बारे में खुल के बात भी नहीं करना चाहता कि क्या स्थितियाँ होती हैं, कैसे बातें होती हैं, क्या सच है और क्या सच नहीं है। तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये ख़ास तौर से इसलिए बना रहा हूँ कि जो जिनका लक्ष्य है विवाह करना है ना, चाहे उनकी अब पहले से गर्लफ्रेंड हो बेलारूस में, ऑनलाइन हो या ना हो, या वो पहुँच करके विवाह करना चाहते हैं, और विवाह करना कभी कोई गुनाह नहीं है, किसी भी उम्र में किसी भी देश में प्यार करना और विवाह करना मैं समझता हूँ बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो आपके इन सवालों के जवाब के लिए तो कई सारे मेरे साथी ये पूछते हैं, सबसे जो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बेलारूस की जो मानसिकता है ना, और क्या वो लड़कियाँ हमारे साथ में रह सकती हैं। देखिए, मेरा एक निजी अनुभव है, मैं बेलारूस की मेरा जो परिवार है मुझे लगभग 13 साल हो गए हैं साथ में रहते हुए, तो मेरा जो निजी अनुभव मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं जो भी सलाह दूँ इसे अपने जीवन में ढालने से पहले आप स्वयं का डिसीजन ले लीजिएगा, क्योंकि जो बातें मैं बता रहा हूँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि आपकी ज़िंदगी में दूसरा भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, उससे आपको फ़ायदा या नुकसान दोनों ही हो सकता है। तो जब भी आप अपने जीवन में इसको लाएँ और अपने जीवन में इसको ढालें तो अपना स्वयं विवेक का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। चलिए, तो पहला सवाल एक तो ये है कि मुझे ये बताइए कि क्या बेलारूस की लड़की भारतीय पुरुषों को पसंद करती हैं या नहीं करती हैं। तो भारतीय पुरुषों की बहुत ज़्यादा बेलारूस में बहुत ज़्यादा भारतीय पुरुष नहीं हैं, और बेलारूस की लड़कियों ने भारतीयों से को ज़्यादा देखा भी नहीं है। तो लेकिन जब ये पली बड़ी हैं, खासतौर से लड़कियां तो नहीं लेकिन उनके जो माता पिता सोवियत संघ के ज़माने से उनको भारत को एक मित्र के रूप में हमेशा उनके दिमाग में बिठाया गया है, और पुराने ज़माने में जो फिल्में जो हुआ करती थीं वो भारत की जो फिल्में हैं वो पूरे सोवियत संघ में इनकी भाषा में डब करके दिखाई जाती थी। जैसे कि मेरे खुद के सास ससुर अपने पहली जो फिल्म शादी के पहले है ना, उनकी शादी के पहले उन्होंने जो सबसे पहली फिल्म जो उन्होंने देखी साथ में वो जो थी वो थी सीता और गीता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी संस्कृति में जो सम्मान है और जो कल्चर है, और पुराने लोग अभी भी राज कपूर की आवारा और ये सभी तो जानते हैं है ना, और भी पुराने जो मतलब दादा नाना के ज़माने के लोग, और जो पुरानी जनरेशन थोड़ा बीच की जो जनरेशन है वो मिथुन चक्रवर्ती को जानती हैं, सीता गीता और जिमी जिमी आजा आजा इस गाने को हर कोई जानता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जिमी जिमी आजा आजा गाने को नहीं जानता है। चलिए अब हम पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि हाँ, भारतीय पुरुषों को, क्योंकि इनको भारतीय पुरुष की जो जो पिक्चर बनाई गई है उस पिक्चर में हम सभी तो नहीं बैठते हैं, लेकिन उस भारतीय पुरुषों का जो कॉन्सेप्ट है इनके दिमाग में बैठा हुआ वो पॉजिटिव है,
और क्योंकि उसके पॉजिटिव होने के कारण जो दूसरा फ़ायदा हम लोगों को मिला है ना, वो क्या मिला है? वो ये मिला है दोस्तों कि ये हमारे लिए सम्मान करते हैं। और जब हम मैं नया आया था तो सम्मान ज़्यादा था। अब आपको पता है कि आने वाले दिनों में या पिछले दिनों में, जब अभी मैं ट्रेवल पर गया हूँ, अभी रूस ने वीज़ा फ्री कर दिया है, आपने देखा होगा। तो वीज़ा फ्री मतलब ऑनलाइन वीज़ा जैसा कुछ कर दिया है ना, आसान हो गया। तो ढेर सारे जो लोग हैं जो इलीगली आने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी बदल रही है, शुरुआत है, लेकिन अभी भी कोई बुराई नहीं आई हुई है। तो ये आपको सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और आज भी भारत के संस्कृति को ये रिस्पेक्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि मीन्स्क में इस्कॉन मंदिर है, और इस्कॉन मंदिर में अधिकतर जितने लोग वहाँ पे पूजा पाठ करने वाले हैं या जो लोग जाते हैं, उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो लोकल लोग ही हैं, मतलब वो बेलारूस के लोग ही हैं। कोई विदेशी आकर के वहाँ पे पूजा नहीं, मतलब विदेशी मतलब कोई भारतीय पंडित नहीं है वहाँ पे, कि भारतीय व्यक्ति ने आकर के वहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा है या वो भजन गा रहा है। वो सभी आपको लोकल लोग ही मिलेंगे, और वो पूजा पाठ में, माफ़ी चाहता हूँ नॉइज़ के लिए, तो वो सभी पूजा पाठ में अपना जीवन उन्होंने दे रखा हुआ है। वो भारतीय परिधान भी पहनते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, और उनका जो है नाम भी उन्होंने, अपने जो गुरु नाम होते हैं ना, वो भी उन्होंने भारती रख रखे हैं। किसी ने गोपाल दास रख रखा हुआ है। सभी का अपना जो भारती जो नाम होता है ना, पारंपरिक पुराने नाम उन्होंने, गुरु नाम जो हैं वो भी रख रखे हैं। तो ये जो संस्कृति का एडॉप्शन जो है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। अब हम बात करते हैं, चलिए अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा वो लोग वेजिटेरियन भी होते हैं है ना, वो भगवान का नाम भी लेते हैं, तो कोई सीधे से मुझसे सवाल पूछेगा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या मैं मंदिर में शुरुआत कर लूँ क्या, है ना? ये भी एक सवाल है ना कि भाई मैं मंदिर में ही किसी लड़की की तलाश कर लूँ, क्या पता वो जो मंदिर की जो पूजा पाठ करने वाली लड़की है वही मेरे घर में बहू बन जाए या मेरी बीवी बन जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसके बारे में, मेरा विचार जो है वो थोड़ा दूसरा है, वो बताता हूँ क्यों। देखिए, जो मंदिर में जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं ना, वो हमसे एक्सट्रीम लेवल पे वो सात्विक हैं। देखिए, हम उतना नहीं कर पाते जितना वो कर रही हैं। उनके दिमाग में भगवान का नाम पूरी तरह रसा बचा, मतलब बिल्कुल है, वो साड़ी ही पहनेंगी। तो आप ये समझिए कि अगर आप उतने महापुरुष हैं, क्या वाकई आप उतने महान भारतीय इंसान हैं जो कि आप समझ रहे हैं, जो कि उसमें खड़े उतरते हों, तो ही आप मंदिर की किसी महिलाओं से विवाह करने के प्रस्ताव के बारे में सोचिएगा। क्योंकि हम लोग अब उतने शुद्ध और पुराने नहीं रह गए हैं। मंदिर में काम करने वाले या मंदिर में फॉलो करने वाली जो महिलाएं हैं, अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, और यही बात है कि वो बहुत अच्छी हैं, तो हम उनका दिल ना तोड़ दें, या हम उनकी जो अपेक्षा है उसको हम ना तोड़ दें। क्योंकि अक्सर हमें ये होता है, क्योंकि वो एक सोच रही हैं, वो एक धार्मिक, मतलब दिन भर भगवान का नाम लेने वाला और गौशाला में और पूजा करने वाला और दिन में शाम पूरी दो दो तीन तीन घंटे भजन करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति होगा। तो अगर आप उस तरीके के एक्सट्रीम नहीं हैं और आप अगर सामान्य भारतीय हैं, तो मंदिर की महिलाओं का दिल आप तोड़ देंगे। और आप दिल तोड़ देखिए, किसी भी महिला का दिल टूटा तो परिवार तो टूटना ही है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप मंदिर में जो काम करने, मतलब काम नहीं, मतलब जो कहते हैं फॉलो करने वाली जो महिलाएं हैं, उनका आप दिल तोड़ देंगे। तो अगर आप एक्सट्रीम हैं भगवान के वाले, तो ज़रूर आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम नहीं हैं तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि हमारे लालच के लिए हम किसी के सपने को तोड़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामान्य लड़कियों की। तो सामान्य लोग वाकई भारत को अभी भी इज्जत करते हैं, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उन्होंने बहुत गरीब वाले भारतीय नहीं देखे हैं। अब आप पूछेंगे क्या बेलारूस बहुत अमीर देश है? नहीं, बेलारूस बहुत अमीर देश नहीं है, लेकिन
क्योंकि इनकी सामाजिक स्थिति ने इनके जीवन को थोड़ा सा स्थिर बना रखा हुआ है, मतलब एक लेवल से नीचे नहीं गए हैं ये, जबकि हमारे यहाँ पे बहुत अमीर भी हैं और मध्यम वर्ग भी है और बहुत गरीब भी है, जबकि इनकी गरीबी बहुत गरीबी नहीं होती, मतलब इनकी बहुत गरीबी में भी समझ रहे हैं, मतलब ये सूट ही पहन के घूम रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत गरीब यहाँ का जो टीचर भी होगा वो गरीब, वो भी साल में दो बार किसी न किसी आप समझ रहे हैं किसी जगह पे जा कर के कोई ना कोई वो अटेंड कर रहा होगा, किसी समर में कहीं जा रहा होगा या इस तरीके से। तो आप ये ज़रूर समझिए कि एक्सट्रीम गरीबी नहीं है बेलारूस में। तो अगर आप बेलारूस की किसी महिला से शादी करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको वेल टू डू तो होना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करते हैं और एकदम ही अति गरीबी है और भारत में आप मतलब हालत वैसी नहीं है और फ्यूचर में भी होप नहीं है, तो फिर इस दिशा में मत बढ़िए। एक थोड़ा बहुत वेल टू डू का मतलब अमीर होना नहीं है, पर जीवन व्यापन करने योग्य आपको होना पड़ेगा, चाहे वो भारत में हो चाहे आप बेलारूस में आकर के ही क्यों ना आगे रहना चाहते हो, है ना। तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, मैं बीच में एक ब्रेक लेकर के।